हरदा में लंबे समय से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन परीक्षा ऑनलाइन या ओपन बुक से करने की मांग कर रहा था, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। संगठन के अध्यक्ष योगेश चौहान ने शासकीय महाविद्यालय पर कोरोना के नियमों के उल्लंघन करने और सैकड़ों छात्र छात्राओं के जान जोखिम में डालकर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया। महाविद्यालय प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की गई। यह सरासर निंदनीय है। छात्रों की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। ज्ञात हो कि हरदा में भी कोरोना के सक्रिय मरीज मिले हैं। ऐसे में महाविद्यालय प्रशासन पर कार्यवाही की जानी चाहिए। हरदा से नुसरत अली की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।